नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में कि कैसे बृहस्पति ग्रह जब अन्य ग्रहों से संपर्क में आता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। इस पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा पंडित जी के साथ, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। केले का पौधा कभी भी घर के सामने या घर के आगे मत लगाइएगा। अगर आप घर के सामने या घर के आगे केले का पौधा लगाते हैं तो इससे घर में होने वाले मंगल कार्य आपके रुक जाएंगे या रुक सकते हैं। केले का पौधा हमेशा घर के पीछे की तरफ लगाना उत्तम होता है, घर के फ्रंट पर केले का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। और अब वक्त हो गया आज के पंचांग को जानने का, तो आइए जानते हैं 19 अप्रैल 2024 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है। दिनांक 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:04 तक, नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः काल 10:57 तक, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं गुरु और सूर्य का संबंध हमें क्या बताता है। जी देखिए, आज हम ये बताने वाले हैं आपको कि बृहस्पति का अलग अलग ग्रहों के साथ जब संबंध बनता है तो ये संबंध आपके जीवन पर किस प्रकार से असर डालता है। अगर हम बृहस्पति और सूर्य के संबंध के बारे में बात करें, गुरु और सूर्य का संबंध सामान्यतः शुभ होता है, परंतु इसका शुभ फल तभी प्राप्त होता है जब गुरु यानी बृहस्पति अस्त ना हो। अगर कुंडली में गुरु और सूर्य का संबंध है तो इसके होने से व्यक्ति धनवान, न्यायप्रिय और मंत्री होता है। व्यक्ति जीवन में अपने ज्ञान की वजह से, अपनी योग्यता की वजह से सूर्य की तरह चमकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सूर्य बृहस्पति के संबंध की वजह से कभी कभी संतान को कष्ट हो जाता है। याद रखिए, गुरु सूर्य का संबंध आपको अकेले सूर्य की तरह ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों के संतान पक्ष में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। और आइए अब जानते हैं गुरु और चंद्रमा का संबंध हमें कैसे परिणाम देता है। देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा का जो संबंध है ये ज्योतिष में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। गुरु और चंद्रमा के संबंध को ज्योतिष में गज केसरी योग कहा जाता है। इसके होने पर व्यक्ति अत्यंत प्रतिष्ठित होता है। ऐसे लोग जीवन में सामान्यतः अपने करियर में ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, अपने करियर में उच्च पद प्राप्त करते हैं, और इनकी माता भी विशेष महिला होती हैं, ऐसा देखा गया है। ये योग कभी कभी
अहंकार पैदा करता है। गुरु चंद्र का संबंध करियर में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचा दे, कहीं भी पहुंचा दे, लेकिन कभी कभी इसका दुर्गुण ये है कि ये व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा कर देता है। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, व्यर्थ के विवादों से इस समय बचाव करें। रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कर्ज की समस्याएं आपके लिए कम होंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं गुरु और मंगल का संबंध आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। अगर हम गुरु और मंगल के संबंध की बात करें, बृहस्पति और मंगल का अगर आपसी संबंध हो तो व्यक्ति के ज्ञान और शक्ति दोनों में वृद्धि होती है। व्यक्ति के पास ज्ञान और शक्ति दोनों होती है। सामान्यतः ऐसे लोग टेक्नोलॉजी की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के पास धर्म की और मंत्र की शक्ति भी पाई जाती है और ऐसे लोग अपने परिवार के दूर के स्थान पर जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन गुरु और मंगल के संबंध की वजह से कभी कभी पेट की और अल्सर की समस्या हो सकती है या हो जाती है। और गुरु मंगल का संबंध कभी कभी आदमी को मेंटली इम्बैलेंस करता है, वैवाहिक जीवन में उन्माद और उपद्रव पैदा करता है। गुरु मंगल का संबंध मैरिटल लाइफ में बेवजह के झगड़े झंझट पैदा करता है और कभी कभी आदमी का मानसिक संतुलन भी खराब करता है। और आइए अब जानते हैं गुरु और बुध का संबंध व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। बृहस्पति का मतलब होता है ज्ञान, गुरु मतलब ज्ञान, बुध का मतलब बुद्धि। तो गुरु और बुध का जब संबंध होगा तो ऐसे लोग विद्वान और बुद्धिमान दोनों होंगे।
इनकी सूझबूझ और इनकी बुद्धि गजब की होती है। ऐसे लोग न्याय के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। ऐसे लोगों को खुशबू का और फूलों का बहुत शौक होता है, ऐसा देखा गया है। गुरु और बुद्ध का संबंध अगर कुंडली में है तो आदमी ज्ञान के मामले में, विद्या बुद्धि के मामले में बहुत प्रखर होगा, बहुत तेज होगा। और ज्ञान और विद्या बुद्धि उसको जीवन में ऊंचाई तक पहुंचा देगी। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, आपके करियर की स्थिति में इस समय सुधार होता दिख रहा है। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी के मामले में आपके व्यस्तता रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न इंद्र प्रकाश जी ने हमें लिखा है। और इंद्र प्रकाश जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 सितंबर 1992। जन्म का समय शाम के 6:05 और जन्म का स्थान है गुरुग्राम, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए इंद्र प्रकाश जी, कुंडली के अनुसार आपकी बेटी के विवाह का योग अब शुरू होने वाला है। और अगर प्रयास किया जाएगा तो इस वर्ष के अंत में उनके विवाह की संभावनाएं बनती हैं। उनकी कुंडली कहती है कि उनका विवाह उनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ होना चाहिए। जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। विवाह के मामले में जल्दबाजी मत करिएगा। फिलहाल आप अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें।
लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाएं, और दूसरा अपनी पुत्री को बोलें कि वो सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी अगला प्रश्न रीतेश जी ने हमें लिखा है, और रीतेश जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 मार्च 1980। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग भोर में लगभग 5 बजे, और जन्म का स्थान है देवरिया उत्तर प्रदेश। रितेश जी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं चल रही है, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। रितेश जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति फरवरी 25 के बाद से काफ़ी बेहतर होगी, हालांकि अप्रैल 2024 के बाद यानी इस महीने के बाद से सुधार होना शुरू हो जाएगा, और फरवरी 25 के बाद ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, और सुबह शाम दोनों समय दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र इसका सुबह शाम आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जानते हैं बृहस्पति और शुक्र के संबंध का परिणाम क्या होता है। अगर कुंडली में गुरु और शुक्र का संबंध बन गया, बना हुआ है, तो इसके परिणाम क्या होंगे? ऐसे लोग बड़े आकर्षक होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, जिनकी कुंडली में गुरु और शुक्र का संबंध होता है। इनको शिक्षा के क्षेत्र में या मंत्रणा यानी काउंसलिंग के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। ऐसे लोग कभी कभी अध्यात्म और भोग में उलझ जाते हैं। एक मन कहता है कि ईश्वर की तरफ चलो, साधना करो, धर्म के मार्ग पर चलो, और एक मन कहता है कि जीवन का आनंद लो, इन चीजों में मत जाओ। तो अक्सर गुरु और शुक्र वाले जो लोग होते हैं वो द्वंद में फंस जाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर जाएं या भौतिक मार्ग पर जाएं, ये द्वंद उनके मन में बना रहता है। और आइए अब जानते हैं बृहस्पति और शनि का जब संबंध होता है तो उसका इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और शनि का संबंध है तो आप जान लीजिए ये संयोग न्याय का या धर्म का है। गुरु शनि का संबंध लॉ फील्ड के लिए बहुत अच्छा है या धर्म के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग न्याय, धर्म, तंत्र मंत्र आदि क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। इनको जीवन में मध्य आयु के बाद यानी 40 वर्ष के बाद इनको जीवन में सफलता ज्यादा मिलती है। इनके अंदर अंतर ज्ञान इंट्यूशन यानी भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पहले से जान लेना, अंतर ज्ञान या इंट्यूशन की क्षमता रहती है। इनको कभी कभी गैस या जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाती है। गुरु और शनि वाले जो लोग होते हैं वो आम तौर पर बड़ा मेहनत करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए,
और अगर ये कानून के फील्ड में चले जाते हैं, लॉ के क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वहां पर बेहतरीन ऊंचाइयां अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और आइए अब देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर में आपके लिए फिलहाल सुधार के योग बन रहे हैं। धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। कोई छोटी यात्रा भी इस समय होती हुई दिखाई दे रही है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। काम की स्थिति में आपके सुधार होगा। संपत्ति या वाहन का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की दशा उत्तम रहेगी। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि गुरु और राहु का जब संबंध होता है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति का राहु के साथ संबंध हो, खास तौर से बृहस्पति और राहु का अगर कॉम्बिनेशन हो तो आप ये समझिए कि ये अच्छा नहीं है। गुरु और राहु का संबंध ज्योतिष के अशुभ योगों में से एक योग है। गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। ये वैवाहिक जीवन के लिए या चरित्र के लिए शुभ नहीं होता। गुरु राहु का कुंडली में संयोग होगा तो ये वैवाहिक जीवन को भी खराब करेगा और चरित्र को भी दूषित करेगा। महिलाओं के लिए ये योग विशेष अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसके होने से उनके विवाह और उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत होती हैं। और इस कॉम्बिनेशन की वजह से चरित्र पर लांछन लगना, अपयश मिलना या चरित्र दोष होना, इसकी संभावनाएं जीवन में बन जाती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं गुरु और केतु के संबंध से हमारे जीवन पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, अगर कुंडली में बृहस्पति और केतु एक साथ हैं, इनका संबंध है, तो क्या प्रभाव होगा। ये योग व्यक्ति को परम विद्वान बना देता है। केतु का मतलब होता है कैटलिस्ट, जो किसी चीज के प्रभाव को बढ़ा दे।
तो बृहस्पति के साथ केतु का संबंध व्यक्ति को परम विद्वान बना देता है। ऐसे लोग अपने क्षेत्र के प्रकांड विद्वान होते हैं और ये लोग मुक्ति और मोक्ष के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। जिनकी कुंडलियों में गुरु और केतु का संबंध होता है, कभी कभी ये लोग बड़े अच्छे उपदेशक हो जाते हैं, बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, ओरेटर हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। गुरु केतु का संबंध दर्शन के मामले में, फिलॉसफी के मामले में व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है और गुरु केतु का संबंध होने से ये संभावना जीवन में जरूर बनती है कि आप ज्ञान के मार्ग पर या अध्यात्म के मार्ग पर ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें, काम इस समय बिल्कुल मत टालिए, काम टालने से बचाव करिए, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और आइए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न स्मिता जी ने हमें लिखा है। स्मिता जी जयपुर से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1988। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है बीकानेर। स्मिता जी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, मैं विवाह चलाना चाहती हूँ लेकिन स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, तो मैं क्या उपाय करूँ जिससे मेरा विवाह बचे, और अगर विवाह नहीं बचता है तो मेरा भविष्य कैसा रहेगा। स्मिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह बचेगा भी और चलेगा भी। अभी अगस्त 2024 तक थोड़ी शांति, थोड़ा धैर्य बनाए रखें।
अगस्त 2024 के बाद स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ी सी शांति रखें, क्रोध पर नियंत्रण करें और वाणी पर नियंत्रण रखें, चीजें बेहतर हो सकती हैं। एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करेंगी। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो देखते हैं पंडित जी को आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न राजीव जी ने लिखा है, बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 जुलाई 1985। जन्म का समय है शाम के 7:05 और जन्म का स्थान है लखनऊ। राजीव जी कह रहे हैं कि मैं विदेश जाना चाहता हूं, वहां जाकर कुछ समय तक काम करना चाहता हूं। मेरे लिए ऐसी संभावनाएं कब बनेंगी और क्या मेरे लिए विदेश जाना उपयुक्त होगा? राजीव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी वर्ष आपको प्रयत्न करना चाहिए विदेश जाने के लिए, और ऐसा लगता है कि इस साल के अंत में आप प्रयत्न करके विदेश जा सकेंगे और विदेश जाकर के कुछ समय तक नौकरी कर सकेंगे। आपके फॉरेन सेटलमेंट के योग नहीं बनते हैं, विदेश में सेटलमेंट की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन विदेश जाकर के लंबे समय तक आप नौकरी कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आइए जानते हैं जिनका जन्मदिन 19 अप्रैल 2024 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 19 अप्रैल को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थितियां आपकी ठीक रहेंगी, धन की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी, विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा, परिवार का सहयोग इस वर्ष आपके साथ अच्छी तरह से बना रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप पूजा उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, इसका कारण क्या है? देखिए, ज्योतिष में और धार्मिक मामलों में बृहस्पतिवार का दिन विशेष शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन लोग सामान्यतः तामसिक खाने पीने से बचते हैं।
देखिए वैसे तो मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बृहस्पतिवार के दिन आप खाएंगे तो पाप लगेगा और बाकी दिन खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा। नहीं खाना है किसी दिन मत खाइए, क्योंकि किसी भी दिन खाएंगे परिणाम वही होंगे। तो मांसाहार कभी भी मत करिए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो आप करते हैं कि बृहस्पतिवार को नहीं खाएंगे, मंगल को नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे, ये जो आपकी परंपरा है इसको जरा बंद करिए, क्योंकि इसका कोई बहुत मजबूत आधार नहीं है। और आइए अब जानते हैं 19 अप्रैल 2024 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की, दिनांक 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिए। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 19 अप्रैल शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि जानने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी पूजा में कौन सी चीज शामिल करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुडलक राशि है मीन राशि। पूजा के दौरान इनको जल और फूलों का विशेष प्रयोग करना चाहिए, यानी पानी अपने पूजा के समय में साथ में लेकर बैठें, अलग अलग रंगों के फूल लेकर बैठें। ऐसा करने से हर तरह की मानसिक समस्या में आपके सुधार होगा। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय कौन सा है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कुछ लोगों के जीवन में कि बार बार उनको कर्ज लेना पड़ता है, बार बार प्रयास करके कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि काम चलता नहीं, कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते। तो अगर आपकी हर जरूरत पे आपको कर्ज लेना पड़ता हो और आप कर्जों से मुक्ति चाहते हो तो क्या करेंगे, रोज सवेरे सूर्य देव को सादा जल प्लेन वाटर अर्पित करिएगा। सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और हर मंगलवार को लोगों को गुड़ और चना बांटिएगा। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करें तो हर जरूरत पे जो आपको कर्ज लेना पड़ता है ऐसी स्थितियों से आप बच जाएंगे। पंडित जी महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की देशों दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।